बजट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था और किस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं, भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था। उससे पहले बता दें कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली है और इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरे देश की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। बता दें आपको कि बजट को लेकर लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है और आज हम आपको भारत के बजट के इतिहास के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताने वाले हैं। आज़ाद भारत का पहले बजट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और तब देश के तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने देश का पहला बजट पेश किया था। आर के षणमुखम शेट्टी देश के पहले वित्त मंत्री होने के साथ एक वकील और अर्थशास्त्री भी थे। शेट्टी ने भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में 1947 से लेकर 1948 तक काम किया था और वहीं अगर पहले बजट की खास बात करें तो देश के पहले बजट पर काफ़ी चर्चाएं होती रही है। बता दें आपको कि पहले बजट में टैक्स का प्रस्ताव नहीं था। पहले बजट को 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक यानी लगभग 7.5 महीने की अवधि को कवर किया गया था और आपको बता दें कि 1948 और 1949 के बजट में वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने पहली बार अंतरिम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से लघु अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ था।